ये आपका कौन सी लेक है? चंद्रताल लेक पर भाई। अगला दिन है, सुबह हो गई है, चेकआउट कर दिया हमने भाई, पंचर बाइक का लग चुका है। अरे हमारी हालत भाई बहुत परेशानी हुई है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। बस एक दिक्कत हो रहा है, इसका इंजन ऑयल चेंज कराना है, इसका साहिल का, साहिल की बाइक का, बाकी तो अपना कंटिन्यू करना। तो दोस्तों ये देखिए जो बाइक है मेरी, ये खड़ी हुई है देखिए आप, ठीक है। इसमें पंचर का इशू आया है, अभी अभी जस्ट अभी पंचर लगाया है। बाइक का इंजन सारा कुछ एकदम ओके है, इसको मैं 40-45 की स्पीड से भगा के लाया हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे को तो खैर नहीं आई, बाकी को आ रही है। तो मैं तो ये कहूँगा रॉयल इनफील्ड से कि भाई अपने क्वालिटी प्रोडक्ट जो हैं, अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी लाओ, नहीं तो कस्टमर्स खो देंगे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, एक और मोटर व्लॉग में आपका स्वागत है। चंद्रताल से निकल रहे हैं क्या? अरे बांध ले इसको ऐसे ही, अबे कर ले, वहीं लगा दे, चलो भाई जल्दी आ और आगे निकल तू। अबे ये वेलक्रो है ना, चिपका दे एक दूसरे में। हाँ ये यहीं पे रोटेट करके आपस में चिपका दे। हाँ चलिए, एक हुक में डाल और वापस इधर इधर चिपका दे बस आपस में टाइट करके। हाँ हो गया, बस कहानी खत्म, ऐसे ही आगे कर दे। अबे छोड़ देना फिर, कहीं नहीं जा रहा वो, अब तो घंटों ग्लव्स पहनने में लगाएगा भाई, मैं अगर चढ़ जाऊंगा ना गाड़ी पे पीने आराम से चलेगी इसको, वाटर क्रॉसिंग है आगे। अच्छा बेटा, पहली पहली वाटर क्रॉसिंग नीचे तू ही गिरा था। देखा? हाँ देखा था मैंने नहीं देखा, कैसी बात कर रहे पता तो चल गया, लेकिन चलते हैं भाई चंद्रताल, वापस कभी नहीं मिलेंगे, जब रोड वोड बन जाएगी बढ़िया से तब आएंगे, अभी तो नहीं। फिलहाल बहुत ऑफ रोड है यार, ये काजा से मनाली का जो रास्ता है ना भाई, टोटली ऑफ रोड है टोटली। ये देखो गाइस, पहली वाटर क्रॉसिंग जो कि गाड़ी से क्रॉस हो चुकी है, और ये सबसे खतरनाक क्रॉसिंग है। बंद पड़ेगी क्या गाड़ी? बेबी मेरे भी एक मिनट रुको, वो भाई साहब पैर गीले। देख पानी देख कैसे गिर रहा है, और ये रात के टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है इसका फ्लो। चल बैठ तू गाड़ी में बैठ, आ जाएंगे हम। यो हनी सिंह भाई, एक बात बता दूं, KTM नो डाउट बहुत कैपेबल बाइक है, और एडवेंचर मॉडल सबसे ज़्यादा इसका, ड्यूक भी अच्छा है, सारे मॉडल ऑलमोस्ट सारी दिक्कतें, यानी ऐसी कोई दिक्कतें है नहीं बाइक के अंदर, फुली रिकमेंडेड है भाई। KTM को प्रमोट करो, बहुत कैपेबल मशीन बना रहे हैं, और लोगों ने बस छतरी का टैग दे रखा है इसको, वो भी इंडिया इंडिया में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा ब्रांड है ये, सच बता रहा हूँ। हाँ आ जा आ जा आ जा, आगे चल आगे। दिक्कत भाई इस बाइक का है, ये बाइक पानी में गिर गई थी, और कुछ सेकंडों में ही इसके इंजन ऑयल में पानी जा चुका है, यानी पूरा चॉकलेट बन चुका है इंजन ऑयल का। बस भगवान की दुआ से बाइक स्टार्ट है, चल रही है नॉर्मल, वो ही काफ़ी है। अब इसका लोसर में या कुंजो तुम्हारा काजा में जाके इसका इंजन ऑयल और चेंज कराना है, ताकि ये दिल्ली तक पहुंच जाए आराम से, उसके बाद तो वारंटी में करवा ही देंगे इसको। बाकी भाई पैर गीले हो चुके हैं, पूरा पानी में भीग चुका हूँ,
गाड़ी पीछे आ रही है। अभी एक और वाटर क्रॉसिंग बची हुई है जो हमें क्रॉस करनी है भाई। बहुत डीप लेवल वाले पानी है और भाई रोड तो आप देख ही सकते हो। आज इसकी एडवेंचर की पूरी टेस्टिंग कर ली मैंने चंद्रताल लाकर इसको, और ये इजीली आ सकते हैं भाई जिस पे भी बाइक है। आंख बंद करके ले आओ, लेकिन आराम से लाना भाई। ये मत सोचना कि एडवेंचर है तो उड़ाता हुआ ले आओ, क्योंकि बहुत डीप गड्ढे होते हैं, अलॉय भी बैंड हो सकता है। नॉर्मल स्पीड यानी 30-40 की स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे। नहीं तो और स्लो है, क्या बात है यार। तो गाइज यही वाटरफॉल था जहाँ पर हम गिरे थे, मैं इधर गिरा था और साहिल उधर गिरा था। उसकी बाइक में पानी घुस गया था, अब ये डीप है थोड़ा, चल पैदल पैदल आना पड़ेगा। निकल गए, इस बार तो निकल गया भाई। अरे वाह मेरी जान, तू तो जा रहा हूँ मैं उसपे। सुनो मजाक नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। अबे यार परेशान हो गया मैं इसके हैं, टायर से परेशान हो गया, जो आफ्टर मार्केट लिया है रिमोट टायर। अच्छा हाँ, परफॉर्मेंस एक नंबर है भाई, देखना मैं चंद्रताल लेके आ गया 100 किलोमीटर ऑफ रोड। ज्यादा नहीं बोलने का, ज्यादा क्या भाई, तेरे सामने ये चीजें दिखाऊंगा। दिक्कत है तो है, ये चीजें दिखाऊंगा मैं, इसमें क्या दिक्कत है बता। इधर से लइयो, वाटर क्रॉसिंग में गिर तुम रहे, यहाँ मत आइयो, यहाँ मत आइयो, इधर से आ। अबे होल्ड नहीं कर पाएंगे हम, तू इधर आ। यार कोई नहीं मैं चलाता हूँ। ओ भाई तू चप्पल पहन के चला रहा है, जूते कहाँ हैं, गीले तो हमारे भी हैं। बहुत फ्रीज हो गया पानी, पानी में ले जाएगा तो बंद हो जाएगी भाई। पानी डीप है, हर जगह डीप है वो भाई, उस साइड लेता मैं लेके नहीं आया भाई, पूरी डूब जाती है। बता इसका सिलेंसर कितना ऊपर है भैन, तो सिलेंसर से डूब गया, सिलेंसर डूब गया भाई। इंजन लाइट से नहीं आई ना, देख इधर आ, इंजन लाइट नहीं आई, इंजन लाइट जाती है, सिलेंसर पे पानी चढ़ गया भैन पूरा। अरे कोई साइलेंसर से कोई दिक्कत नहीं होती भाई, तूने डीप में लिया इसको, मैंने ये फिल्टर पे। चल कोई नहीं, अब एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं है, बस प्लेन प्लेन है, बस लास्ट था। ठीक है भाई, जिसमें मैं गिरा था यही है, यही तो मैं भी तो इसी में गिरा था।
तो दोस्तों बन रही है वीडियो? हाँ बन रही है। तो दोस्तों ये वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पे ये दोनों गिर गए थे और मैं बिना गिरे निकाल ले गया था। भाई साहब देख रहे हो कितना बड़ा वाटरफॉल है, एंड तक है वहाँ से लेके वहाँ तक। चलो चलते हैं, इसको स्टार्ट रख लिया। आ गया, ये जा रहा है मनाली की साइड, ये जा रहा है काजा की साइड। चलो। हाँ पता है भाई, बाइक दिक्कत कर रही है बहुत ज़्यादा, चढ़ नहीं पा रही है कुंजुम पास अभी मेरे हिसाब से। सो जी फाइनली पहुँचे हैं भाई कुंजुम पास, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये बुद्धा जी की मूर्ति रखी हुई है, मंदिर बनाया हुआ है प्रॉपर। बाकी आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। बाकी थोड़ा सा टफ लगा मेरे को ये कुंजुम पास, क्योंकि चारों तरफ देखो मतलब इतनी नहीं है, लेकिन वाटर क्रॉसिंग भाई इतनी है। अगर आपको वाटर क्रॉसिंग के मज़े लेने हैं जून में आ जाओ भाई, जून जुलाई में फुल वाटर क्रॉसिंग मिलेगी भाई इस रूट पे, और कहीं तो मुश्किल ही है, सब बंद कर दिया है। बाकी बाइक में बहुत दिक्कत आई है भाई, टच वुड अपनी बाइक में तो कोई ऐसा इशू नहीं आया, इंजन लाइट, ABS लाइट, ऐसा कुछ भी नहीं आया। वाटर क्रॉसिंग में ये भी गिरी है, लेकिन भाई दोनों रॉयल एनफील्ड की बाइक प्रॉब्लम कर रही है, इसकी भी इंजन लाइट ऑन मिसिंग वगैरह मार रही है, और उसमें भी पंचर तो चलो नॉर्मल हो गया, लेकिन उसमें भी दिक्कत आई थी, लेकिन अब ठीक चल रही है। ये मेरा भाई आ गया फाइनली। चलो एक्चुअल में इसके टैंक में ना पानी भर गया है कुछ परसेंट, अब शायद उसकी वजह से ये मिसिंग कर रही है। बाकी ये कुछ ऐसा नज़ारा, यहाँ से आना था तेरे को ऐसे और वापसी ऐसे जाना था। हाँ ये मंदिर है, वापिस जा उस रोड से ऐसे आ और परिक्रमा करके वापिस इधर खड़। हाँ तो लो जी गाइस काजा पहुँच चुके हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया और टाइम हो गया 12:10। हम वहाँ से निकले थे कितने बजे, 6 बजे निकले थे चंद्रताल से, और 12 बज गए, मतलब 6 घंटे का रास्ता है, और टोटली रोड कंडम हुआ पड़ा है भाई साहब, क्या ही बोलूँ। अब जाके रोड आया है, इससे आगे का जो रास्ता सारा का सारा ऑफ रोड है, सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो भाई देख लेना 2027 तक शायद ये रोड हाईवे बन जाए मनाली तक, लेकिन अभी तो फ़िलहाल भाई पूरा ऑफ रोड है, वाटर क्रॉसिंग बहुत गहरी गहरी। 2 पॉइंट बचे हैं फ्यूल के, और अभी भी 170 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है बाइक में सच कोई भी इशू नहीं आया रास्ते में अभी तक तो टिल डेट, आगे कुछ आता है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। और प्लान ये है कि बस यहाँ से घर निकलना है दिल्ली, और बाकी और फर्स्ट टाइम काजा आई हुई है ये आयशा। चलो गाइस फ्यूल भरवा लेते हैं यहाँ पे, ये भाई हाईएस्ट पेट्रोल पंप है यहाँ पे, उतर 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 सीधी कर ले टांगे, आगे चल। तो भाई सीन ही हो रहा है, अभी काजा से निकले हैं। ये साहिल की बाइक में तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई सोनू की बाइक में इंजन ऑयल लीक हो गया है, अब देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आई है, कहाँ से आई है। ये काम इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ, पूरा गीला हो चुका था, पानी से पानी एयर फिल्टर के थ्रू इंजन में गया था, और इसका भाई चैम्बर टूटा वूटा नहीं है, चेन लूप कराई थी चूतिए ने और पता ही नहीं इसको। चलो दोनों बाइक हो गई हैं, अब घर चलते हैं।
तो गाइस हम निकल रहे हैं कहाँ से, स्पिलियन, स्पिलियन से रात के 3:45 और दिल्ली पहुँचना है गाइस हमें। यहाँ से कुछ 600 किलोमीटर है और देखते हैं कितना टाइम लग पाता है और कितनी देर में पहुँच पाते हैं। बाकी अभी रात हो रही है, आयशा मेरे पीछे और अभी हम अकेले निकले हैं फिलहाल के लिए। अम्बाला यहाँ से 400 किलोमीटर है, काफ़ी फुल अंधेरा डीप एकदम। चलो कुछ फाइनली अपन घर पहुंच गए थे सेफली एंड साउंड, और बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ट्रिप से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल बिल्कुल प्लेन गई और प्लेन आई है। तो भाई अपना तो KTM पे भरोसा है फुल, जैसे डोमिनार पे था। डोमिनार का भले ही इंजन फटा था, वो एक एक्सीडेंट समझ लो या कुछ, लेकिन भाई KTM पे पूरा भरोसा है। और मेरे को फॉर श्योर ये बाइक मेरी बहुत लंबी चलने वाली है और कोशिश करूँगा इसको 1,00,000 किलोमीटर टच करने की। बाकी आपको कैसी लगी ये सीरीज़ चंद्रताल लेक की, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। और आगे और भी बहुत सारी ट्रिप आने वाली है इस बाइक पे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट आएंगी, अपने पास थोड़ा टाइम कम है। बाकी ये देखो इसको, ये सो रही है रात के भाई 1 बज रहा है। और वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।